Hey everyone, welcome back to the channel. So in the today's video, I'm going to start with a completely new topic for the students of commerce and management, that is called marketing management. ये एक ऐसा टॉपिक है जो क्लास 11 से लेके MBA लेवल तक दिस टॉपिक इज एवरीवेयर. सो ओवर द कमिंग वीडियोज, ओवर द कमिंग सीरीज, आई एम गोइंग टू कवर ऑल द टॉपिक्स अंडर मार्केटिंग मैनेजमेंट. हम पूरा का पूरा मार्केटिंग मैनेजमेंट, मार्केटिंग मिक्स, फिलोसफीज, प्रोडक्ट प्राइस, प्लेस प्रमोशन, वी आर गोइंग टू कवर एवरीथिंग इन मार्केटिंग, राइट. इन द टुडेज वीडियो व्हाट आई टारगेट इज to explain you what is marketing management and what is the nature of marketing management, right? So let's start quickly. First of all, let's define marketing management. As they say, marketing management are the business activities that direct the flow of goods and services through producers to consumers. Iska matlab marketing management producers se leke consumers tak goods and services provide karta hai. But there is a problem with this definition. Ye definition ek product oriented definition hai. यानी कि ये डेफिनेशन सिर्फ प्रोडक्ट पे फोकस कर रही है कि प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूसर से कंज्यूमर्स तक लेके जाना है. नो, टुडे मार्केटिंग इज मच वास्ट. मार्केटिंग इससे बहुत ज़्यादा एक्सपैंडेड है. सो इफ आई ट्राई टू डिफाइन इट प्रॉपरली, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग व्हाट प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सैटिस्फाई इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. तो यहाँ पे हमें क्या फर्क दिख रहा है कि मार्केटिंग इज नॉट जस्ट टेकिंग द प्रोडक्ट्स फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर्स, इट स्टार्ट्स वे बिफोर दैट. प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करने से बहुत पहले मार्केटिंग स्टार्ट हो जाती है. क्यों? क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा प्लानिंग और रिसर्च करनी होती है, और प्रोडक्ट्स कंज्यूमर्स तक पहुँच जाएँ उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा काम करना होता है, बिकॉज इट इज़ अबाउट सेटिस्फैक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स, दैट इज सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर्स. दिस इज़ अ कम्प्लीट डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट. फिलिप कॉटलर, जिन्हें हम फादर ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट भी कहते हैं, ही सेड मार्केटर्स दे डू नॉट क्रिएट नीड, दे सैटिस्फाई वॉन्ट्स. इसका क्या मतलब है? ये डेफिनेशन एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जो हमें मार्केटिंग को एक्सप्लेन करने में हेल्प करता है. सो मार्केटर्स नीड्स क्रिएट नहीं करते हैं, लेकिन आपकी वॉन्ट्स को सैटिस्फाई करते हैं. फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन नीड्स एंड वॉन्ट्स. जैसे कि इफ आई एम हंग्री, अगर मुझे भूख लगी है तो वो एक नीड है. Why? Because everybody will get hungry. That is a basic necessity. लेकिन I am hungry and I want to eat burger, then that is a want. अगर हमारी needs बहुत specific हो जाती हैं तो हम उसे wants कहते हैं. For example, I need shoes. I mean, everybody needs shoes. So that is a need. But I need a pair of Nike shoes, then that is a want. So marketers क्या करते हैं? हमारी इस need को wants में convert करते हैं. जैसे आप अपने friends के साथ घूमने गए हैं और आपको भूख लगी है, आपका मन करेगा कि मैं बर्गर और फ्राइज़ खाऊं. क्यों? क्योंकि मैकडोनल्ड्स और KFC ने, मैकडोनल्ड्स और बहुत सारे ब्रांड्स ने, बर्गर किंग ने एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू, मार्केटिंग के थ्रू आपकी नीड्स को आपकी वांट्स में कन्वर्ट कर दिया है, राइट. दिस इज़ व्हाट मार्केटिंग इज अबाउट. वो आपकी नीड्स को आपकी वांट्स में कन्वर्ट करते हैं. दीज आर कॉल्ड द मार्केटिंग एफर्ट्स, राइट. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड द क्रक्स ऑफ द वर्ड मार्केटिंग, right? It starts way before the product is made and it ends way before the product is sold. This is called marketing management. So now let's start with the nature of marketing. Marketing ka nature kya hai? Iske characteristics kya hai? Iske features kya hai? Number one, marketing is customer oriented. अब वो दिन चले गए हैं कि प्रोड्यूसर सिर्फ अपने हिसाब से प्रोडक्ट बनाएंगे और कस्टमर वो प्रोडक्ट ले लेगा. नो, टुडे देयर इज सो मच ऑफ कंपटीशन. अगर आप कस्टमर पे फोकस नहीं करेंगे तो आप प्रोडक्ट नहीं बना सकते हैं. तो ओल्ड कॉन्सेप्ट क्या होता था कि टॉप मैनेजमेंट डिसाइड करती थी, वो अपना जो भी डिसीजन है मिडिल मैनेजमेंट को देती थी, और जो फर्दर मैनेजमेंट ये डिसीजन कस्टमर तक लेके आते थे. बट नाउ द अप्रोच हैज़ चेंज्ड. अब अप्रोच अपसाइड बॉटम हो गई है. अब कस्टमर से पूछा जाता है आपको क्या चाहिए, और वो चीज़ें टॉप मैनेजमेंट तक जाती हैं. सो मार्केटिंग इज कस्टमर फोकस्ड, फर्स्ट फीचर. सेकेंड फीचर इज दैट मार्केटिंग मस्ट डिलीवर वैल्यू. आप कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं बना सकते जो कस्टमर को वैल्यू नहीं दे रहा है और आप एक्सपेक्ट करोगे कि कस्टमर वो प्रोडक्ट खरीदे. नो, यू द प्रोडक्ट हैज़ टू बी समथिंग कि कस्टमर को लगे कि इसको परचेज करके मुझे कुछ बेनिफिट मिल रहा है. वैल्यू का मतलब क्या होता है? हर कस्टमर, एवरी कस्टमर, वेन एवर दे मेक अ परचेज, वो हर चीज़ का बेनिफिट और कॉस्ट एनालाइज करते हैं. बेनिफिट क्या है? कस्टमर प्रोडक्ट देखता है, सर्विसेज देखता है, पर्सनल लोगों को देखता है, ब्रांड इमेज देखता है. ये सब बेनिफिट्स हैं दैट अ कस्टमर विल गेट व्हेन द कस्टमर विल परचेज अ प्रोडक्ट.
लेकिन कस्टमर कुछ कॉस्ट भी इनकर करता है. कॉस्ट इज द मनी, टाइम, एफर्ट्स, साइकोलॉजिकल थिंकिंग. कस्टमर इन सब चीज़ों को भी इवैल्यूएट करता है. तो कस्टमर अपने बेनिफिट्स और कॉस्ट दोनों को कॉन्स्टेंट बेसिस पे इवैल्यूएट करता है, ये देखने के लिए कि इस प्रोडक्ट से मुझे क्या वैल्यू मिल रही है. राइट, सो द सेकेंड फीचर इज दैट मार्केटिंग मस्ट डिलीवर वैल्यू. थर्ड आता है, मार्केटिंग इज मेंट टू जनरेट बिजनेस. मार्केटिंग का होल एंड सोल, ऑल दो कस्टमर इज द किंग ऑफ द मार्केट, कस्टमर इज द ओनली फोकस ऑफ द मार्केटिंग, लेकिन इसका एक पर्पस ये है कि मार्केटिंग मस्ट जनरेट बिजनेस, मार्केटिंग मस्ट गिव यू प्रॉफिट्स. अगर आप मार्केटिंग से प्रॉफिट्स जनरेट नहीं कर रहे हो, सिर्फ कस्टमर बेनिफिट कर रहे हो, सो दैट इज सोशल वर्क, दैट इज नॉट मार्केटिंग. राइट, देन कम्स मार्केटिंग एक सिस्टम है, यानी कि मार्केटिंग एक फ्लो ऑफ सिस्टम है. प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स यानी कि मार्केट के बीच में एक जो फ्लो चलता रहता है, प्रोड्यूसर्स कस्टमर्स को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और कस्टमर्स प्रोड्यूसर्स को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, फीडबैक्स प्रोवाइड करते हैं. दिस इज द कम्प्लीट मार्केटिंग, हेंस मार्केटिंग इज अ सिस्टम. और लास्ट आता है, मार्केटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज अ साइंस. आर्ट और साइंस का मतलब क्या होता है? जैसे आर्ट होती है हर पर्सन के लिए अलग होती है. इफ आई आस्क अ ग्रुप ऑफ पीपल टू ड्रॉ ट्री, तो हर किसी का ट्री अलग होगा, कोई भी सेम ट्री नहीं बनाएगा. दैट इज आर्ट. इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, क्रिएटिव होती है. लेकिन साइंस, रूल्स ऑफ साइंस सेम होते हैं सबके लिए. तो मार्केटिंग एक ऐसा डिसिप्लिन है जिसके रूल्स हैं, जिसके लॉज हैं, जिसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो हम पढ़ते हैं. सो इन दैट वे मार्केटिंग इज अ साइंस. हम लोग बहुत ज़्यादा डेटा कलेक्ट करते हैं, स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट करते हैं, वो उस तरीके से मार्केटिंग एक साइंस है. लेकिन उस इन्फॉर्मेशन को कैसे अप्लाई करना है वो एक क्रिएटिविटी है. सो इन दैट सेंस मार्केटिंग इज एन आर्ट. सो दीज आर सर्टेन फीचर्स ऑफ मार्केटिंग. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट. इन द नेक्स्ट वीडियोज आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद फर्दर मोर टॉपिक्स लाइक फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग. सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स. फॉर द फर्दर वीडियोज ऑन द सेम टॉपिक कीप फॉलोइंग द चैनल. इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक एंड राइट मी इन द कॉमेंट सेक्शन हाउ डिड यू लाइक इट एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल. Thank you so much. Keep learning.